हम आए हैं कालीवाह मंदिर, इटावा का विख्यात सिद्ध पीठ कहा जाता है, माता रानी का मंदिर कालीवाह। ये मुख्य द्वार मंदिर का, शहर के दक्षिण में स्थित माता रानी का मंदिर। यहाँ से चलेंगे हम अंदर, मंदिर थोड़ा सा अंदर है, लगभग 100 या 150 मीटर की दूरी पर। नवरात्रों में यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं, लाखों की संख्या में बहुत भीड़ होती है। बीहड़ वाली मैया के नाम से भी जाना जाता है। ये रास्ते में सुंदर फव्वारा माता रानी का, जो ये नवरात्रों में श्रद्धालुओं का मन मोहता है, बहुत ही सुंदर फव्वारा है। ये इधर छोटे छोटे कई एक मंदिर बने हुए हैं। यही पास में एक कृष्णा देवी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना हुआ है, बलराम सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एवं टेक्नोलॉजी मंदिर के जो ठीक बगल में। और ये ऊपर ऊंचाई पे जो काले झंडे देख लगे, ये भैरव बाबा का मंदिर है। ये भैरव बाबा विराजमान है ऊंचाई पर। मुख्य द्वार पर और यहाँ पर ये लगी हुई है प्रसाद की दुकान है। बिल्कुल बेटा, तुम्हारी फोटो आएगी। सर हम भी यूट्यूब पर आते हैं, नाम देख सकते हैं, आएंगे अभी बात करते हैं। ये माता रानी का मुख्य द्वार, ये बीहड़ वाली मैया सिद्धपीठ कालीवाह मंदिर। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। इधर ये भंडारा आदि के लिए सेट पड़ा हुआ है, जो लोग आते हैं यहाँ पर भंडारा कथा वगैरह कराते हैं उनके लिए रास्ते जगह। ये माता रानी का श्रद्धालु आए हुए हैं।
माता रानी का दिव्य शरीर। मंदिर के चारों तरफ का स्थान अभी श्रद्धालु कम है, नवरात्रों में यह बहुत जन सैलाब उमड़ता है, माता रानी के दर्शन करना दुर्लभ हो जाता है। ये मंदिर का प्रांगण, इधर ये बना हुआ है राम दरबार, भगवान राम का, ये राम का दरबार है, भगवान राम का। अभी जब तक हम आए थे तब बहुत कम लोग थे, काफी श्रद्धालु आ चुके हैं। ये प्रसाद आदि की दुकान है, चाय नाश्ता, भैरव बाबा के दर्शन करने। तो ये चलते हैं भैरव बाबा, काफी ऊंचाई पर हैं भैरव बाबा जी। जूता चप्पल यहाँ उतार देंगे, इसके बाद ये लंबी चढ़ाई भैरव बाबा की। इधर संत निवास, काफी ऊंचाई पर। इधर ये बिहार भैरव बाबा की भी चढ़ाई। हम पहुंचे हैं भैरवनाथ के मंदिर। और ये भैरव बाबा के ऊपर से ये बीहड़, यमुना नदी का बीहड़ जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, चारों तरफ बीहड़ ही बीहड़ है। इसीलिए माता का दूसरा, माता को यहाँ बिहड़ वाली मैया के नाम से भी जाना जाता है। और ये यहाँ से मुख्य द्वार यानी सड़क को जाते हुए
और ये बगल में बना हुआ अस्पताल। हाँ, ये है हमारे छोटे मित्र प्रशांत दुबे जी। हाँ, ये भी यूट्यूबर है और इनका भी एक चैनल है। किस नाम से है? प्रशांत दुबे के नाम से। अच्छा, और यहाँ पर ये प्रसाद की दुकान भी की है माता रानी के मंदिर से। और किस क्लास में पढ़ रहे हैं? सर, मैंने हाई स्कूल पास कर रखा है, थोड़ी सी मजबूरी होने का तो हमें स्कूल रिजाइन करना पड़ा सर। अच्छा, तो आप इस समय केवल दुकान जी है? और सर, हम खुद की नहीं है, यहाँ पे काम करते हैं सर 14 घंटा 4,500 रुपये। अच्छा, यहीं शहर के रहने वाले? जी सर, ब्लू वर्ड इंटर कॉलेज इटावा सफारी पार्क के पास में। हाँ, आपने दिखाओ गड्ढे में। अच्छा, तो आप अपने चैनल के लिए कुछ बोलेंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और किस तरीके की वीडियो बनाते हैं आप? सर, हम कुछ कॉमेडी की बनाते हैं, हर तरह के गाने। अच्छा, कॉमेडी वो रखी है उस साइड। छोटी छोटी नहीं, इतनी बड़ी छोटी है। ठीक है सर, सर के चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड्स। ओके, हेलो दोस्तों, ये थी काली वाम मंदिर भीड़वाली मैया, इटावा शहर के दक्षिण में स्थित है। आज हमने इनके दर्शन किए और भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम अपने गंतव्य को जाएंगे और ये हमारी यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और जो लोग नए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता की।